यार इतने तरीकों से कलेजी धोई जा रही है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा बेचारी कलेजी का आखिर कसूर क्या है। अस्सलाम-ओ-अलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। हाय हाय, कलेजी कैसे धोएं यार, कलेजी ना हो गई कोई, क्या हो गया? वो जो होते हैं ना छोटे बच्चों के कपड़े जब गंदे करके आते हैं तो फिर इनको कुट कुट के धोना पड़ता है, दिस इज़ नॉट द केस, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। और कलेजी में से खून निकाल दें, मतलब आप सोचेंगे कलेजी बनी किस चीज़ की हुई, आप उसमें से खून ही निकाल देंगे तो कलेजी रही ना, वो तो कुछ और बन गया। तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इतना परेशान होने की ज़रूरत है। और कलेजी के लिए धोने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है कि कलेजी को ना काटने से पहले धोना है, ठीक है? ये चीज़ जहन में रख लें, वरना तो लोगों ने बोटियाँ बना बना के और उनके कलर चेंज कर कर के दिखाए हैं, अजी देखें पहले ऐसे थी बाद में ऐसी होगी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा, और ना लोग देखा देखी एक को देख के दूसरा बनाई जाता है वैसे। और इसमें अब आपने करना क्या है, अभी तो क्योंकि कुर्बानी है तो घर में ही कलेजी होगी, तो कलेजी उनको कहना है कि काटने ही नहीं है, कसाई या जो भी घर में आपके खुद भाई और इस तरह हस्बैंड वगैरह बना रहे हैं उन्हें बोले कि साबुत की साबुत कलेजी आपने देनी है, फिर आपने उसको धो लेना है और उसके बाद उसकी बोटियाँ बना लेनी है, छोटी बड़ी या जिस साइज़ की भी चाहिए, और उसके बाद उसको पका लेना है यार, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना। और ठीक है, समझ आ गई, दिस इज़ सो ईज़ी और कोई चक्कर नहीं ऐसा वैसा। हाँ, और ये जो पीछे वीडियो चल रही है तवा कलेजी की, और उसमें ऐसे ही कलेजी डाली है मैंने, यू नो आई हैव वॉश्ड इट फर्स्ट, पहले मैंने इसको धोया और फिर, और कोई चक्कर नहीं स्मेल स्मेल का, अगर स्मेल स्मेल का चक्कर कोई लगे आपको, वैसे तो अगर आप बचपन से यूज़ रहे हैं खाने के तो कुछ नहीं होता, अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाल लो, पर ना मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, पिछले साल बनाई थी, हाउ टू रिमूव स्मेल ऑफ कलेजी, बेसिक चीज़ होती है यूज़ टू होना, इसलिए ख़ुद भी खाएं अपने बच्चों को भी खिलाएं ताकि उनको भी इसे आदत पड़े और रौला ही ख़त्म हो जाए स्मेल वगैरह का। चलें जी, उम्मीद है आपको इस टिप से हेल्प मिलेगी और ट्राई ज़रूर करना है, खाली एम ही देखी जो मतलब ट्राई इट, मैंने तो 3-4 तरीक़ों से ट्राई करके देखा तो मुझे तो ये क्लियर हो गया कि एम ही ड्रामेबाजियाँ सारी, कोई चक्कर नहीं, कलेजीज़ ओके, ये देखो ये कलेजी है ना, कलर क्या किया मैंने इसको, कुछ भी नहीं किया, एम ही फजूल में। चले खैर, और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ और टिप्स जानने के लिए, स्पेशली ईद से ना बड़ी मैंने ढूंढ ढूंढ के चीज़ें निकाली हुई हैं और जिनके बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी मैंने वीडियो भी बनानी है कलेजी को गलाना कैसे, अगर कुछ लोगों को इश्यूज़ हैं तो, ठीक है? और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो लोग पहली बार आ जाए हैं बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ईद की ख़ास टिप्स और रेसिपीज़ देखने के लिए Stay tuned। चले जी, एक और मज़े की रेसिपी के साथ और टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।